भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज दिल्ली में हुई और बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री हयाशी शिओमासा बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी और उसके बाद अगला मौका भारत में आया जब भारत में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। दिल्ली में यह बैठक हुई है अब से थोड़ी देर पहले। कल ही G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी और आज क्वाड देशों के मंत्रियों की यह बैठक। भारतीय विदेश मंत्री का बयान भी इसे लेकर आ गया है। एस जयशंकर ने कहा है कि हमारे पास रणनीतिक स्पष्टता है। क्वाड जो गठबंधन है ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का गठबंधन। क्वाड देशों की यह बैठक समय समय पर होती रहती है और खासतौर से सबसे ज्यादा यह बैठक अगर किसी को खटकती है तो वो है चीन। ऐसे में एस जयशंकर का यह बयान और भी अहम है। उन्होंने कहा है कि अच्छी समझ के साथ हमारे पास अच्छी लीडरशिप भी है और हमारे पास रणनीतिक स्पष्टता भी है। कल ही G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में हुई है और अब क्वाड देशों के मंत्रियों की बैठक भारत में। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में ये बैठक संपन्न हुई और कल विदेश मंत्रियों की बैठक में जब अमेरिका ने यह साफ कर दिया रूस को लेकर भी खास तौर से कि उसे अब अपनी परमाणु नीति को लेकर फिर से पीछे हटना होगा, दोबारा सोचना होगा, ये वक्त आ गया है। और इसको लेकर जो चीन का रवैया रहा वो भी देखने को मिला। चीन ने भी अपनी तरफ से कई बयान इसमें दिए हैं, लेकिन आज ये जो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है इसलिए भी कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशाल पांडे मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। विशाल, एस जयशंकर का बयान आ चुका है, उन्होंने कहा है कि अच्छी समझ के साथ अच्छी लीडरशिप हमारे पास है और हमारे पास रणनीतिक स्पष्टता भी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर क्वाड देशों की बैठक हुई है विदेश मंत्रियों की। आज सुबह 8:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई थी। इसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हुए। सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक खुले और स्वतंत्र रूट को लेकर बातचीत हुई कि वहाँ जो प्रतिबद्धता रही है वो लगातार बरकरार रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक 3-4 बातों पर बहुत सहमति बनी है जिसमें काउंटर टेरर ग्रुप बनाए जाने पर बात हुई है। इसके अलावा मैरिटाइम सिक्योरिटी पर बात हुई है, इवन में रिफॉर्म करने पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा जब क्वाड विदेश मंत्रियों की आज सुबह बैठक हो रही थी तो आतंकवाद पर भी सभी 4 देशों ने आतंकवाद की निंदा की और इसके अलावा जो 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में उसकी निंदा की, पठानकोट हमले की निंदा की और यहां पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाया जाएगा इन 4 देशों का मिलकर। और इसके साथ ही इसी साल जो एक और सम्मेलन होगा क्वाड देशों का उसको लेकर भी बातचीत हुई है। लेकिन अगर हम जानकारी हम लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस डिटेल के लिए।